हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। तो आप लोग कैसे हैं? आप लोग उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पे बहुत अच्छे से होंगे, ठीक है। आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी, ठीक है। तो आज का ये वीडियो जो होगा अपना, इसमें हम क्या करेंगे ना, आपको पढ़ाएंगे नहीं, इसमें आपको बताएंगे कि आपको पढ़ना क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है। ट्वेल्थ क्लास में आपको क्या क्या कौन सा चैप्टर्स पढ़ना है, ठीक है। आपको मैथमेटिक्स की बात करूंगा मैं, तो मैथमेटिक्स में कौन सा चैप्टर पढ़ना है, आपके एग्ज़ाम कितने मार्क्स के होंगे, एग्ज़ाम में कितने क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। और ये सब स्ट्रेटजी के बारे में आज बात करेंगे, ठीक है। ट्वेल्थ में आपको कैसे कैसे पढ़ाऊँगा मैं, उसके बारे में आपको आज इस वीडियो में समझाऊँगा, ठीक है। तो उससे पहले आपको पता है कि सागर साइंस सेंटर का अपना ऐप भी बना हुआ है, तो आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर लेना है, ताकि आप उस पर उसका बेनिफिट ले सके। वहाँ पे बहुत सारे स्टडी मटेरियल सबको अवेलेबल कराए जाएंगे, तो इसका आपको बेनिफिट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, सागर साइंस सेंटर का ऐप आपको डाउनलोड करना होगा गूगल प्ले स्टोर से। और साथ ही साथ आपको अगर ऑफलाइन क्लासेस के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, क्योंकि आप धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, खोल रही है धीरे धीरे, ठीक है। आर्ट से तो आपको पता है कि मंदिर मस्जिद सब धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ें आपको आर्ट से खुलने जा रही है, तो ऑफिस वगैरह भी खुल ही जाएंगे। तो आपको क्या करना, अगर एडमिशन के रिगार्डिंग अगर कोई इन्फॉर्मेशन लेना हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, यहाँ से आपको पता चल जाएगा एडमिशन के बारे में कुछ भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिएगा होगा तो, ठीक है। और हमारी ऑफलाइन क्लासेस भी चलते हैं सागर साइंस सेंटर पे, तो अगर आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो फिर आपको मिलना पड़ेगा सागर साइंस सेंटर पे, ठीक है, जहाँ ऑफलाइन क्लासेज भी चलती है। चलिए, आज इतना इन्फॉर्मेशन था, ये मैंने आपको दे दिया। अब चलिए, जितने भी ट्वेल्थ क्लास के बच्चे हैं, जितने भी ट्वेल्थ क्लास के भाई बहन हैं, सबको क्या करना है कि आपने, आपको ये पता होना चाहिए कि आपको क्या क्या पढ़ना है। कई बार होता है कि आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई करते जा रहे हैं, लेकिन कई बार होता है कि आपको समझ ही नहीं आता कि मैं कौन सा चैप्टर, बहुत सारे बच्चों का सवाल आ जाता है कि सर सिलेबस नहीं पता है, बुक मेरे पास नहीं है, लॉकडाउन है, बुक नहीं है, तो कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्या आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है। तो इसके बारे में आज आपको सारा डिटेल मैं आपको दूंगा, बहुत आसानी से मैं चीज़ों को आज समझाऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है, कैसे आपको पढ़ना है, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे आपको, ठीक है, कितने टाइम मिलेगा, कैसे कैसे चीज़ों को सॉल्व करने में सारी बातें इसमें, सिलेबस के बारे में आपको मार्क्स बताऊँगा, किस चैप्टर से कितने मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, इन सारी बातों पर आज हम डिस्कशन करेंगे, उन सारे बातों का। तो आप लोगों से मेरा एक स्मॉल रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, भाई के साथ शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और अपने आसपास के लोगों को बताइए जो बिहार बोर्ड में पढ़ते हैं, उनको ये वीडियो भेज दीजिएगा, ठीक है, क्योंकि उनको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा और इनको सारा सिलेबस की जानकारी आज इस वीडियो में मैं आपको दूंगा। तो चलिए, आज इसी के साथ अपना वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, हम लोग पहले बात करते, देखिए मैं आज पहले आपको चैप्टर्स बताता हूँ, मैं आपको क्या करता हूँ, पहले चैप्टर्स बता दूंगा, चैप्टर्स को अच्छे से समझा दूंगा, उसके बाद मैं बताऊंगा कि आपको एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्या, मतलब कितने क्वेश्चन आए थे, उसके बाद में एग्ज़ाम क्या क्या किस टाइप के आपके क्वेश्चन होंगे वहाँ, उस पर बात करूँगा आप, ठीक है। अब आपको पता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आते हैं 50%, तो उस सब पर मैं बात करूँगा। पहले मैं चैप्टर्स आपको बता देता हूँ बढ़िया से, उसके बाद मैं उस पर बात करूँगा, तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा होगा और आपको भी समझने में ज़्यादा आसान होगा, ठीक है। तो पहले मैं आपको चैप्टर्स बताता हूँ, ठीक है। देखिए, पहला चैप्टर्स है आपका, आपको पढ़ना है रिलेशन, क्या पढ़ना है, रिलेशन। दूसरा मैं आपको पढ़ना है फंक्शन, फंक्शन। फिर आपको पढ़ना है बाइनरी ऑपरेशन, बाइनरी ऑपरेशन। फिर चौथे नंबर पर पढ़ना है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, फंक्शन, ठीक है। इसको शॉर्ट में हम लोग ITF भी बोलते हैं, ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। पांचवें नंबर पे हो गया आपको मैट्रिसेस, क्या हो गया, मैट्रिसेस, मैट्रिसेस भी बोलते हैं लोग इसका, ठीक है, तो मैट्रिसेस हो गया। फिर उसमें हो गया आपको, अच्छा, उसके बाद छठे नंबर पे आपको पढ़ना है डिटर्मिनेंट, डिटर्मिनेंट हो गया। ये दोनों पोर्शन जो है आपका अलजेब्रा का पोर्शन है, किसका पोर्शन है, अलजेब्रा का, ठीक है। अलजेब्रा में आपको पढ़ना है मैट्रिसेस पढ़ना है, डिटर्मिनेंट पढ़ना है, उसके बाद आपको पढ़ना है मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट हो गया, उसके बाद आपको पढ़ना है वेक्टर,
वेक्टर, फिर आपको पढ़ना है 3D ज्योमेट्री, फिर आपको क्या पढ़ना है 3D ज्योमेट्री आपको। मैंने अभी 11th क्लास में आपको पढ़ा था स्ट्रेट लाइन वगैरह पढ़ाया था, ठीक है, स्ट्रेट लाइन सर्कल पढ़ाया था, पैराबोला हाइपरबोला इलिप्स सारा चीज़ें हमने आपको पढ़ाया, तो वो सब हो गया 2D ज्योमेट्री हो गया, ठीक है। और यहाँ पे जो हम लोग बात करेंगे 3D ज्योमेट्री में बात करेंगे, ठीक है, उसको हम लोग 2D में आता है और ये अपना 3D है। तो 3D ज्योमेट्री पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है लीनियर प्रोग्रामिंग, प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसको शॉर्ट में बोलते हैं LPP, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम LPP बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है, ये हो गया, उसके बाद आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी पढ़ना है। तो ये सब चैप्टर्स हो गया कि आपको पढ़ना है रिलेशन पढ़ना है, फंक्शन पढ़ना है, बाइनरी ऑपरेशन पढ़ना है, इन्वर्स ट्रिगो पढ़ना है, मैट्रिसेस पढ़ना है, डिटरमिनेंट पढ़ना है, वेक्टर्स पढ़ना है, और 3D ज्योमेट्री पढ़ना है आपको, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है प्रोबेबिलिटी। तो कई लोगों को हो सकता है 12th का सिलेबस आप लोग जानते हो तो उनके दिमाग में आ रहे हो सर तो आप तो कैलकुलस को छोड़ ही दे रहे, कैलकुलस पे बात ही नहीं कर रहे, तो भाई मेरे कैलकुलस को कैसे छोड़ सकते हो, कैलकुलस तो फिर इसका जाना है, ठीक है, मैथ्स का कैलकुलस तो जाना है, आपको भी पता है कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन वहाँ से आते हैं, तो कैलकुलस का अपन छोड़ूंगा नहीं, कैलकुलस को मैं अलग से लिखता हूँ, ठीक है, कैलकुलस को छोड़ूंगा नहीं भाई, कैलकुलस को मैं लिखूंगा अलग से, देखिए कैलकुलस का मैं अलग ही पोर्शन बनाता हूँ, ठीक है, इसमें हम लोग कैलकुलस पे बात करेंगे, ठीक है। कैलकुलस में मैं इसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ, कैलकुलस में मैं कितने कैटेगरी में इसको डिवाइड करता हूँ, कैलकुलस को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। पहला हो गया आपको डिफरेंशियल कैलकुलस, हम लोग इसमें क्या जाने डिफरेंशियल कैलकुलस पहले में हम लोग जानेंगे डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में मैं आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा वो सब बताता हूँ। डिफरेंशियल कैलकुलस में मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन में आपको पढ़ाऊंगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। तो फर्स्ट ऑर्डर तो अपना अभी चल ही रहा है, अभी जो मैं डिफरेंशिएशन जो पढ़ाऊँ तो वो कौन सा ऑर्डर पढ़ा दो, फर्स्ट ऑर्डर पढ़ाऊंगा इसमें। फर्स्ट ऑर्डर का मतलब डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग एक बार, दूसरा मैं इसी में पढ़ाऊंगा आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन। मैं क्या पढ़ाऊंगा आपको सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन, ठीक है। उसके बाद मैं आपको तीसरे नंबर पर पढ़ाऊंगा फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशिएशन, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशिएशन पढ़ा दूंगा। उसके बाद आपको कंटिन्यूटी क्या पढ़ाना, फिर आपको कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी, फिर डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, फिर पांचवें नंबर पे आपको पढ़ाया जाएगा एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन या एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव भी उसको बोलते हैं, इसमें आपको एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन बोलिए या डेरिवेटिव बोल दीजिए आप, ठीक है, डेरिवेटिव। इसमें आपको पढ़ाया जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। तो इसमें आपको पढ़ाएंगे तो आपको मेरे हैंड राइटिंग समझ आ रहे होगा, मैं लिख रहा हूँ वो आपको अच्छे से दिख रहा होगा ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर मान लीजिए आपको दिक्कत हो तो मैं थोड़ा सा बड़ा भी लिख सकता हूँ, ऐसे विजुअल है, ठीक है। अब मैं एक बार चेक भी कर लेता हूँ आपको, ये विजुअल है ना, हाँ बहुत अच्छे से विजुअल है, ठीक है, शानदार वीडियो आ रही है अपनी, तो बढ़िया ये आपको दिख रहा है। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं छठे नंबर पर आपको पढ़ाएंगे कंटिन्यूटी हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी हो गया, उसके बाद आपको पढ़ाएंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ाएंगे इंक्रीजिंग
इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। उसके बाद सातवें नंबर पर आपको पढ़ाया जाएगा टेंजेंट्स एंड नॉर्मल। टेंजेंट्स एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। आठवें नंबर पर आपको पढ़ाया जाएगा टेंजेंट एंड नॉर्मल हो गया। आठवें नंबर पर आपको पढ़ाया जाएगा अप्रोक्सीमेशन। अप्रोक्सीमेशन अप्रोक्सीमेशन नाइन्थ पे आपका होगा। नाइन नंबर पे मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, मैक्सिमा एंड मिनिमा, ठीक है। और इसके बाद एक और आपका बचता है क्या, उसको मैं लिख देता हूँ। टेन नंबर पे हो गया आपका रॉल्स थ्योरम। आपने बहुत लोग पढ़ा भी होगा, बुक देखा होगा तो आपको दिखेगा रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस। लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, मीन वैल्यू लॉस थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। आपको ये डिफरेंशियल कैलकुलस में जो आपको पढ़ाया जाएगा, इतना सारा चैप्टर सब ये सब आपको टॉपिक पढ़ाया जाएगा। तो आपको क्या करना है कि जैसे अपनी टॉपिक खत्म होते जाएगी, आप क्या करते जाएंगे, ये सब टिक करते जाएगा, ताकि आपको लगता भी रहे कि कौन कौन सा चैप्टर हमने इसमें पढ़ लिया है। तो ये सब पोर्शन हो गया आपका किसका, डिफरेंशियल कैलकुलस का। लास्ट में हो गया रॉल्स थ्योरम एंड लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम। इसको मैं शॉर्ट में ऐसे भी बोलते हैं, लैग्रेंजेस मीन वैल्यू का MVT बोलते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, MVT भी बोलते हैं, मीन वैल्यू थ्योरम भी इसको शॉर्ट में बोलते हैं, ठीक है। तो आप ये भी इसको याद रखिएगा। तो आप क्या करिए कि इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिए। उसके बाद कैलकुलस तो अपना एक पोर्शन हो गया, डिफरेंशियल कैलकुलस में इतने सारे चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगे, ठीक है। इसको आप अच्छे से नोट करिए, उसके बाद हम इसको हटाते हैं। उसके बाद आपको पढ़ाएंगे ये इंटीग्रल कैलकुलस। इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी उस पर मैं बात कर लेता हूँ, ठीक है। ये हो गया अपना डिफरेंशियल कैलकुलस का। आप आगे मैं बात करता हूँ इंटीग्रल कैलकुलस पे कि देखिए आपको इंटीग्रल कैलकुलस में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी। तो मैं इसको हटा दूँ, ये सब आप लिख लीजिए अच्छे से। तो आइए आप चलते हैं, हम लोग बात करते हैं इंटीग्रल कैलकुलस में भाई आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। क्या बात करेंगे कि इंटीग्रल कैलकुलस में आपको क्या क्या चीज़ें आपको पढ़ना है, तो आ जाते हैं उस पर आप, ठीक है। चलिए लिखते हैं इंटीग्रल कैलकुलस, थोड़ा सा भीग गया था ये, कोई बात नहीं। अब लिखते हैं इंटीग्रल कैलकुलस, इंटीग्रल, ठीक है, कैलकुलस, इंटीग्रल कैलकुलस पे बात करेंगे। डिफरेंशियल कैलकुलस अपना हो गया, अब इंटीग्रल कैलकुलस के देखिए। इंटीग्रल कैलकुलस में पहला आपको जो पढ़ाया जाएगा उसमें पढ़ाया जाएगा आपको इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। पहला आपको जो पढ़ाया जाएगा क्या पढ़ाया जाएगा, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा आपको पढ़ाया जाएगा इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, उसके बाद पढ़ाया जाएगा आपको डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन आपको पढ़ाया जाएगा, डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है। इसी डेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ तीसरा जो इसमें पढ़ाया जाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, पढ़ाया जाएगा आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रेशन। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, आपको क्या पढ़ाया जाएगा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, हाँ एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स बोलते हैं, या इसी में हम लोग पढ़ाएंगे एरिया इनक्लोज बाय द कर्व, एरिया, एरिया इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड बाय द कर्व, एरिया इनक्लोज्ड बाय द कर्व, ऐसी को अपन क्या बोलते हैं, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, ठीक है।
उसके बाद आपको पाँचवें नंबर पर पढ़ाया जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन। क्या पढ़ाया जाएगा? डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन आपको पढ़ाया जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद आपको छठे नंबर पर पढ़ाया जाएगा अप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। आपको पढ़ाया जाएगा अप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, अप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल अप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आपको क्या पढ़ाया जाएगा उसके बाद? अप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये सब चैप्टर्स जो आप दिख रहा है आपको यहाँ, ये सब आपको इंटीग्रल कैलकुलस का पोर्शन है, ये सभी पोर्शन किसका है? डिफरेंशियल कैलकुलस का पोर्शन है, ठीक है। इंटीग्रल कैलकुलस में इतने सारी चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगे, डिफरेंशियल कैलकुलस में ये सब चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगे, ठीक है। और ये सब क्या किया है ना, हमने कैलकुलस के इसको टॉपिक को लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप मान लीजिए के सी सिन्हा बुक देखेंगे तो आपको क्या होगा कि मैट्रिसेस में भी लिखा होगा एडजॉइंट मैट्रिसेस, इनवर्स मैट्रिसेस, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको मैट्रिक्स के जस्ट बाद लिखेगा, तो वो सब चीज़ें मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, वो सब चीज़ें आपको मैट्रिक्स के साथ ही पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो आप परेशान आपको नहीं होना है, वो सब चीज़ें मैट्रिक्स के साथ पढ़ाया जाएगा, उसमें हम सिर्फ मैट्रिक्स का नाम लिखें और यहाँ पर इसका टॉपिक्स का भी नाम लिख दिया, ठीक है। तो इतना हो गया। तो आपको चैप्टर्स में मेरे ख्याल से आपको चैप्टर्स बहुत अच्छे से समझ आया होगा, ये मैं ऐसा मानता हूँ, और मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश की है। आपको क्या करना है, इस बुक में लिखते जाना और आपको टिक करते जाना, जैसे जैसे मैं चैप्टर्स पढ़ाते जाऊँगा तो आपको टिक करते जाना। अभी मैं आपको पढ़ा दूँ डिफरेंशिएशन पढ़ा दूँ, इसमें फर्स्ट ऑर्डर पर बात करूँ, उसके बाद आपको सेकेंड ऑर्डर, उसके बाद आपको इन्वर्स ट्रिगो में पढ़ाऊँगा, उसके बाद इन्वर्स ट्रिगो का डिफरेंशिएशन। तो ऐसे करके अपनी सिलेबस आगे धीरे धीरे बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो ये मैं उम्मीद करता हूँ, अब इसको हटा दूँ, इसको हटा देता हूँ, आप अच्छे से इसको लिख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं आपके एग्जामिनेशन के बारे में, ठीक है। मैं इसको हटाता हूँ अब, ठीक है। अब देखिए, अब आपके एग्जामिनेशन के बारे में बात कर लेते हैं। आपको पता है कि आप व्यास बोर्ड की एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो आपको पता है आपका पेपर जो होता है 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। आप बिहार बोर्ड का अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपका पेपर 100 मार्क्स का होते हैं, टोटल 100 मार्क्स का पेपर है आपका। आपको 3 घंटे 15 मिनट आपको टाइम मिलते हैं, ठीक है। उस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 3 आवर्स 15 मिनट टाइम मिलते हैं, ये सब आपको पता है, ठीक है। अब मैं इसमें बात कर लेता हूँ, इसमें क्वेश्चन किसका है, इसमें 3 सेक्शन में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। पहला सेक्शन ए होता है, 3 सेक्शन में क्वेश्चन आता है, सेक्शन ए, सेक्शन ए ना, ए जो होता है ना भाई, सेक्शन ए में जो होता है इसमें आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कैसे क्वेश्चन? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपसे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है? ऑब्जेक्टिव। आपको सेक्शन ए में जो होता है आपसे कौन सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको भी पता है, आपको 50 नंबर के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, ठीक है। लेकिन पिछले साल से बोर्ड ने क्या किया है कि 50 नंबर के जगह आपको 50 क्वेश्चंस के बदले आपको वो 60 क्वेश्चन देंगे, ठीक है। बोर्ड वाले ने क्या किया है कि पहले 50, अभी भी 50 नंबर का ही ऑब्जेक्टिव रहेगा, लेकिन क्वेश्चन का नंबर उसने बढ़ा दिया। क्या किया उसने कि 50 क्वेश्चन पहले पूछा जाता था, तब उसको 60 क्वेश्चन करते हैं। टोटल क्वेश्चन आपसे जो ऑब्जेक्टिव होगा, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा ना भाई, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होगा आपका वो 60 क्वेश्चन होंगे। कितना? 60 क्वेश्चन होगा, 60 क्वेश्चन होगा। और आपको आंसर कितना देना है? आंसर आपको देना है, आंसर करना है आपको, आंसर एनी 50 क्वेश्चन। आपको क्या करना है? आंसर जो करना है, 60 क्वेश्चन का आंसर नहीं करना है,
कोई भी 50 क्वेश्चन का आपको आंसर करना है। आपको क्या, आप अपने से देख लीजिए, आप सेलेक्ट कर लीजिए, कोई भी 60 क्वेश्चन दिया जाए उसमें 50 क्वेश्चन जो आपको आसान लगता है उसको सेलेक्ट कर लीजिए, उसी को आंसर देना है। मान लीजिए कोई ऐसा करता है कि 50 से ज़्यादा क्वेश्चन का अगर आंसर देता है तो फिर आंसर जो आपका ऊपर से चेक होगा, ऊपर से आपको 15 नंबर तक चेक होगा। उसके बाद मान लीजिए आप उसमें गलत होता है तो फिर गलत होगा। तो इसलिए सबसे बड़ी आपको क्या करना है, सावधानी बरतनी है कि 50 से ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर ही नहीं देना है, ठीक है। आपको मान लीजिए मैं मानता हूँ आपको सारे क्वेश्चन भी आते थे, फिर भी आपको क्या करना है, 50 क्वेश्चन से ज़्यादा का आंसर नहीं देना। आपको टोटल 50 क्वेश्चन ही देना है। आपको पहले करना है कि एग्ज़ाम में आपको 15 मिनट का जो समय मिल दिया जाता है कि 15 मिनट में आप अच्छे से क्वेश्चन को देखिए, तो उसमें अच्छे से क्वेश्चन को समझिए और उसमें टिक करते जाइए कि जो जो क्वेश्चन आपको इजीली आ रहा है उसको टिक कर दीजिए, और ऑब्जेक्टिव में टोटल 50 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है, ठीक है। आप ज़्यादा क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश नहीं करिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको कोई भी 50 नंबर के आपको क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन का आंसर देना है। तो आपको पता है ऑब्जेक्टिव आपको इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। ऑब्जेक्टिव में क्या रहेगा, सिंगल करेक्ट ऑप्शन रहेगा, उसमें एक ऑप्शन ट्रू होगा आपका, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे उसमें कोई एक ऑप्शन आपका ट्रू होगा और उसी को आपको टिक करना है। तो 50 नंबर हो गया, तो एक सॉरी 50 क्वेश्चन हो गया, एक मार्क्स का हो गया, तो टोटल आपका सेक्शन ए से जो होगा 50 मार्क्स का क्वेश्चन, सेक्शन ए में जो होगा कितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा, 50 मार्क्स का, ठीक है। अब आते हैं सेक्शन बी में, सेक्शन बी में आते हैं। सेक्शन बी में होगा भाई मेरे, वो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, ठीक है। शॉर्ट टाइप, इसमें जो होगा आपसे शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेक्शन बी में कौन सा टाइप होगा, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा इसमें, इसमें जो भैया आपके से टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो कितना होगा, 27 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। और आपको आंसर कितना का करना, आंसर एनी 15 क्वेश्चन, आपको कोई भी 15 क्वेश्चन का आंसर करना है। आपसे टोटल 27 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अब कोई भी 15 आप सेलेक्ट कर लीजिए उसमें से, उसी का आंसर करना है, ठीक है। और ये आपको 2 मार्क्स का, ये जो सेक्शन होता है कितने मार्क्स का होता है, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन, तो आपको 15 का आंसर देना है। तो 15 × 2 बराबर 30 मार्क्स। आपका सेक्शन जो बी है वो 30 मार्क्स का सेक्शन होगा। सेक्शन बी कितने मार्क्स का होगा, 30 मार्क्स का। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेक्शन सी पे, आपका तीसरा सेक्शन है सेक्शन सी। इसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन टाइप, इसमें आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होगा। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होगा ना आपका, टोटल नंबर ऑफ, इसमें जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा आपका वो कितना आपसे पूछे जाएंगे, 8 क्वेश्चन होगा, ठीक है। 8 क्वेश्चन होगा। आपको आंसर कितने का देना है, आंसर जो आपको देना, आंसर एनी फोर क्वेश्चन। आपको क्या करना है, किसी भी 4 क्वेश्चन का, 8 आपसे पूछे जाएंगे और किसी 4 क्वेश्चन का ही आपको आंसर देना है, ठीक है। 4 से ज़्यादा का आंसर नहीं देना है। और आपको पता है सेक्शन सी में जो एक क्वेश्चन होता है वो कितने मार्क्स का होता है, 5 मार्क्स का होता है। एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का, 5 मार्क्स का। बोल भाई कितने मार्क्स का होता है एक क्वेश्चन, 5 मार्क्स का। तो आपको आंसर कितने मार्क्स का देना, कितने क्वेश्चन का देना है, 4 क्वेश्चन का। तो 4 × 5 बराबर 20, और ये जो सेक्शन सी हो गया आपका 20 मार्क्स का हो गया। तो आपको यहाँ साफ साफ दिख रहा होगा, सेक्शन ए में 50 मार्क्स, सेक्शन बी में हो गया आपको 30 मार्क्स और सेक्शन सी में 20 मार्क्स। टोटल हो गया कितने, टोटल मार्क्स हो गया 100 मार्क्स। टोटल कितना मार्क्स हो गया, टोटल 100 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। बस अतः आपको ध्यान क्या रखना है, थोड़ी सी सावधानी बरतना है। कई बार होता है कि लोग बहुत कई बार आसान क्वेश्चन होता है तो लोग इतना खुश हो जाते हैं, कई बार खुशी में ही कई सारे गलत आंसर हो जाता है। तो आपको क्या करना है, पेशेंस रखना है, आपको धैर्य के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। आपको सारे चीज़ें आपको इजी होगा जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे तो आपके लिए सारा ईजी होगा। तो आपको क्या करना, आराम से सारे चीज़ों को समझना है, एक बार अच्छे से समझिए, उसके बाद आप इसको टिक करिएगा ऑप्शन, फिर आपको AMR सीट पर उसको सर्कल करिएगा, ठीक है। तो आपको ये पैटर्न मेरे ख्याल से समझ आएगा। आपको टोटल टाइमिंग जो दिया गया 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा,
3 घंटे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जाता है और 15 मिनट में आप क्वेश्चन को समझ लीजिए। पहले क्वेश्चन समझना ही बहुत जरूरी होता है, सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी होता है। आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ लेंगे, आपको जब लगेगा कि हाँ भाई ये मेरे लिए क्वेश्चन ज़्यादा आसान है, उस सबको टिक करते जाएंगे और उसी को सॉल्व करना है, उलझना नहीं आपको। कई बार होता है और जो इजी क्वेश्चन होगा उसका पहले कर लेना है, ठीक है। कई बार होता है कि आपको लगता है इसको तो कर लूँगा, लेकिन जब आप करने जाते हो तो बीच में उलझ जाते हैं। तो उलझने से होता क्या है कि आप उलझ जाएंगे तो जो होने वाला क्वेश्चन होता है वो भी नहीं हो पाता है, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि पहले क्वेश्चन को समझिए अच्छे से, उसके बाद आप पता करिए कि कौन सा क्वेश्चन आपके लिए ईजी है और जो ईजी क्वेश्चन है उसको पहले आराम से आप कर लीजिए। और आपके सारे क्वेश्चन ज़्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन हो गए रहेंगे तो आप थोड़ा फ्री माइंड हो जाएंगे, तो जो क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट भी होगा वो भी आपसे आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब मैं इसको हटाता हूँ, अब मैं बात करता हूँ किस चैप्टर से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। मैं बात करता हूँ किस चैप्टर से आपके कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो मैं इसको हटा देता हूँ। अब देखिएगा, अब आपको देखना है कि देखिए पहला जो हम लोग ले रहे हैं पहला चैप्टर, इसमें ले रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन एंड ITF, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ITF का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये तीनों चैप्टर्स मिला के आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे 10 मार्क्स के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। ये छोटा छोटा चैप्टर सब है, ठीक है। ये तीनों क्वेश्चन, तीनों चैप्टर्स आपको मिला करके आपसे कितने मार्क्स का, 10 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। आप ध्यान रखिएगा कि आपको रिलेशन फंक्शन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक मिला करके आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आते हैं हम लोग दूसरा में अलजेबरा वाले पोर्शन में। अब आते हैं अलजेबरा में। तो अलजेबरा में भाई मेरे, मैंने आपको समझाया अभी कि मैट्रिसेस आपको रहेंगे, मैट्रिसेस रहेगा। उसके बाद आपको पता है दूसरा ऑप्शन आपका दूसरा है चैप्टर डिटर्मिनेंट, आपको डिटर्मिनेंट मिलेगा, ठीक है। तो मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट ये दोनों मिला करके आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको कितने मार्क्स होगा, 13 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये दोनों मिला के 30 मार्क्स का। और आपको मैं कहते हुए मेरे को ना खुशी हो रहा है कि ये दोनों बहुत ही आसान चैप्टर्स, मैं आपको अभी नहीं पढ़ा हूँ, जब मैं पढ़ा दूंगा तो आपको लगेगा यार इतना आसान चैप्टर्स तो होता ही नहीं हुआ, ठीक है। बहुत ईजी चैप्टर है ये सब, और ये भी बहुत ईजी है, छोटा छोटा चैप्टर्स है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, अभी दोनों आप बड़ी आसानी से आप पढ़ लेंगे और 13 मार्क्स तो आपको आराम से यहाँ से आ जाएंगे, और ये इसे 5.5 मार्क्स आपको आएंगे, ठीक है। तो उसके बाद हो गया आपका वेक्टर एंड कैलकुलस। अच्छा, कैलकुलस पे मैं बात कर लेता हूँ। तीसरा में कैलकुलस, कैलकुलस में आपको पता है कि हम लोग दोनों पे बात करेंगे यहाँ, डिफरेंशियल कैलकुलस भी, इंटीग्रल कैलकुलस भी। डिफरेंशियल कैलकुलस मैं यहाँ डिफरेंशियल कैलकुलस पे भी बात करूँगा और इंटीग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस भी और इंटीग्रल कैलकुलस भी। और आपको पता है कैलकुलस से सबसे ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो 40 मार्क्स का आपको यहाँ से क्वेश्चन आएंगे, 40 मार्क्स, ठीक है। 40 मार्क्स का क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। उसके बाद चौथे नंबर पर हो गया अपना वेक्टर एंड थ्रेडी, वेक्टर एंड 3D ज्योमेट्री। ठीक है, यहाँ से आपको 18 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, यहाँ से 18 मार्क्स के क्वेश्चन, और ये भी बहुत आसान से चैप्टर है, ठीक है। ये भी बहुत आसान से, यहाँ से आपको 8 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉरी 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद पाँचवा नंबर पे आपका लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, ठीक है। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यहाँ से आपको, इसको LPP बोलते हैं, यहाँ से आपको 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। और ये बहुत ही आसान सा चैप्टर है, इस चैप्टर्स को आपसे मैक्सिमम एक से तीन क्लास, एक क्लास में भी इसको ज़्यादातर थोड़ा पढ़ाया जाए तो एक क्लास में भी इसको निपटाया जा सकता है, ठीक है। और आपको रेगुलर क्लासेज होती है तो 2 से 3 क्लासेज में इसको पढ़ाऊँगा,
तो 2 से 3 क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ाए जाएंगे लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, और इसको शानदार तरीके से यहाँ से 9 मार्क्स आपको आना ही आना है, ठीक है। ये बहुत आसान सा चैप्टर्स होता है और इसका क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो ही जाएंगे, ठीक है। और क्योंकि इसको बहुत छोटा सा चैप्टर भी है, 2 से 3 दिन में इसको निपटाया जा सकता है। इसके बाद हो गया आपको प्रोबेबिलिटी, आपको जो 6ठे नंबर पे है प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी से भैया आपको 10 मार्क्स का क्वेश्चन आएंगे। प्रोबेबिलिटी से कितने मार्क्स का? 10 मार्क्स का। तो अगर आप 5.5 मार्क्स को आप ऐड करते हैं, तो आपको अगर ऐड करेंगे तो आपको दिखेगा, इस सबको आप ऐड करिएगा तो आपको टोटल मार्क्स 100 दिखेगा। टोटल मार्क्स जो आपको दिखेगा भाई, कितना दिखेगा? 100। तो ये आपका पेपर का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। आपको इतने किस किस चैप्टर से कितने मार्क्स का आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये मैंने आपको आइडिया दे दिया। तो आपको उसके अकॉर्डिंग चैप्टर्स पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। वैसे आपको सारे चैप्टर्स में मेहनत करना है, सब में अच्छा आपको मार्क्स लाना है, ठीक है। तो ये मेरे तरफ से आपको छोटी सी जानकारी थी सिलेबस के रिगार्डिंग, जो कि बहुत ज़रूरी थी। ये इन्फॉर्मेशन बहुत ज़रूरी थी, मेरे को स्टार्टिंग में ही देना चाहिए था, बट ठीक है, मैंने नहीं दे पाया स्टार्टिंग में। तो अब मैंने इसका इन्फॉर्मेशन आपको दे दिया है, तो आपको करना क्या है कि आपको इसको अच्छे से कॉपी में अपने लिखिए, ठीक है। जैसे जैसे मैंने लिखा है, सारे चीज़ों को आप लिख लीजिएगा वहाँ, और जैसे जैसे अपनी चैप्टर्स ख़त्म होते जाएगी, तो आपको क्या करना है, वहाँ पे टिक करते हुए जाना है, ठीक है। आप टिक करते हुए जाएंगे वहाँ, और आपको भी पता चलेगा कैसे कैसे हमारे चैप्टर्स सब आगे निकल रही हैं, और आपको इस पर हार्डवर्क करना है, आपको मेहनत करना है, और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाना है यहाँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आप इसको बहुत अच्छे से समझे होंगे, और फिर भी आपको मन में कोई सवाल बचता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि सर कोई भी सवाल आपके दिमाग में है तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई दूंगा, या फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं जब आपसे मिलूँगा तो वहाँ पर उस क्वेश्चन को उसको आंसर कर दूँगा, ठीक है। और क्या करना है आपको, आपको वो पता ही है क्या करना है, कि लाइक्स करना है दोस्त, लाइक्स को करना है, क्योंकि लाइक्स करने से क्या है, मोटिवेशन मिलता है, और अगर आप काम करते हैं तो लोगों को पसंद आता है तो बहुत अच्छा लगता है, इंटरनल जो हैप्पीनेस होता है ना भाई, इंटरनल हैप्पीनेस मिलता है, ठीक है। तो आपको लाइक करना है, शेयर करना है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और आप इसको सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी इसको, इस चैनल को करना है, और अपने परिवार को बढ़ाना है। ये जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे तो इस पर बहुत सारे कंटेंट आपके लिए मिलेगा, और मैं आपके लिए और अच्छे से अच्छा हार्डवर्क करूँगा, और मैं आपको और बेस्ट बेस्ट कंटेंट यहाँ पे अवेलेबल कराऊँगा। तो फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपने आप का ख्याल रखिए, और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, ठीक है। धन्यवाद।